ज्यादा दिक्कत कब आती है? ये लंग को बचा लो, बाकी सब कुछ बच जाएगा। अब लंग को बचाने के लिए 10 तरह के उपाय हम बताते हैं। लंग को बचाने के लिए 10 उपाय क्या क्या बताते हैं? दिव्य धारा सुंघा दो, उसी से बात बन जाएगी। पतंजलि बाम लगा दो, इससे बात बन जाएगी। और इसमें कंजूसी मत करो, एक बार में 25 की 25 ग्राम लगेगी पूरी, और ज्यादा हो जाए तो 25 ग्राम आगे 25 ग्राम पीछे, दोनों तरफ पोत दो, और फिर कपड़े से बांध करके जैसे बताया था ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट दो। सुबह एक बार लपेट दो, एक बार शाम को लपेट दो, दो बार की लपेट। ये जो लंग की जो लपेट है ना, ये खूब बताई भी आपको नेचुरोपैथी में। फिर उनको जो है थोड़ा स्पंज स्नान करा दो, स्पंज बाथ, फिर गर्म ठंडे पानी से थोड़ा उसको वाश कर दो, एक बार लगा करके छोड़ दो 5-6 घंटे के लिए। लंग को बचा लो। लंग को बचाने के लिए श्वासारी है, लंग को बचाने के लिए पंचकोल है, लंग को बचाने के लिए फिर श्वासारी गोल्ड भी है, श्वासारी वटी भी है। और ये जो हम बुखार के लिए दवाइयां दे रहे हैं ना, ये सारी लंग को बचाने वाली है। ये ज्वरनाशक, ये महासुदर्शन, ये गिलोय, ये त्रिभुवन केती रस, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी, ये सारी लंग को बचाने वाली है। ये लंग को बचाने वाली। हम बुखार, केवल बुखार ठीक नहीं कर रहे, बुखार जिस कारण से उसका निवारण कर रहे हैं। बाकी सब लोग खाली सरफेस के ऊपर इलाज करने में लगे हुए हैं। लंग को बचा लो। फिर दिन भर उनको दिव्य पेय पिलाओ, या तो गिलोय का ही काढ़ा पिलाओ, और लंग के साथ पेट भी गड़बड़ है तो आधा समय गिलोय पिलाओ, आधा समय उसको गिलोय या स्वासारी या दिव्य पेय पिलाओ, और आधा समय उसको सर्वकल्प पिलाओ। पेट ज़्यादा गड़बड़ है तो फिर उसको साथ में मैंने बोला जीरा धनिया सौंफ आदि, ये भी साथ में पिलाओ। बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिनको एसिडिटी हाई है ना, उससे बचा लो, तो उसके लिए मोती पिष्टी दे दो। अब ये मोती पिष्टी अंदर जाते ही, मोती पिष्टी मलाई के साथ दे दो, मोती पिष्टी गुलाब जल के साथ दे दो, मोती पिष्टी सामान्य पानी के साथ ही दे दो, मोती पिष्टी वीटग्रास में दे दो, मोती पिष्टी एलोवेरा के साथ दे दो, लौकी के जूस के साथ दे दो, मोती पिष्टी थोड़ा अनार के जूस के साथ, 1 चम्मच अनार का जूस लिया उसके साथ दे दो, मोती पिष्टी जो है ये मुनक्का अंजीर का पानी होता है उसके साथ दे दो, तो एकदम इफेक्ट करती है। इसको कहते हैं अनुपान। अनुपान, अनुपान का बड़ा असर है, हर एक चीज़ की अनुपान से उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। अब मोती पिष्टी तो दी, अब मोती पिष्टी को आपने गुलाब जल के साथ दे दिया, मोती पिष्टी को आपने जो है सौंफ के पानी के साथ दे दिया, मोती पिष्टी को आपने मुनक्का के अंजीर के पानी के साथ दे दिया, मोती पिष्टी को लौकी के जूस के साथ दे दिया, अनार के जूस के साथ दे दिया, और ज़्यादा इफेक्टिव ऐसे। और एकदम उबाल आ रखा है पेट के अंदर, किसी किसी को इतने भयंकर दस्त लग रहे हैं, ये उल्टी और दस्त, उल्टी और दस्त के लिए तो कुटज घनवटी, कुटज घनवटी और अनार, ये तो उसके लिए रामबाण है। अब कितना ही भयंकर, अब दस्तों से मरे, कोरोना से नहीं मरे, दस्त से मर गया कोरोना। अरे उसको 4 गोली कुटज घनवटी खिला दो, 4 गोली कुटज घनवटी की पीस करके, या मुंह में धीरे धीरे उसको बोलो चबा के, आदमी तो इतना उस समय तो होश ही खो देता है, तो पीस करके और कूट करके छोटी सी खरल में या पानी में डाल दो थोड़ी देर उसको, वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, उसको डाला पिला दिया, ऊपर से मुँह में उसको चित्रकादी वटी और दे दो, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है, मन भी अच्छा हो जाता है, भूख भी अच्छी लगने लगती है। कुटज घनवटी दे दो, चित्रकादी दे दो। अब ये भाई उसके पेट को, लंग को बचा लो और उसके पेट को बचा लो। जिनका लीवर बहुत ही कमजोर है उनको लिवोग्रिट लिवामृत दे दो, सर्वकल्प दे दो। ये लिवोग्रिट लिवामृत और सर्वकल्प, ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं। अब जिसको जो मिल जाए, सर्वकल्प को आज तो पूरे देश में मिल ही रहा है। ये सब चीजें करने की जरूरत है, लोग घबराहट में पागलपन में उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। कोरोना से लोगों को बचाना है तो उनके फेफड़ों को बचा लो,
फेफड़ों को बचाने के लिए मैंने उपाय बता दिए, उनको बुखार से बचा लो, बुखार से बचाने के उपाय बता दिए, उनको उल्टी दस्त से बचा लो, वो उपाय बता दिए आपको। बीपी किसी किसी का इतना शूट कर जाता तो उसके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट आपको बताए रखा, उससे बचा लो। हार्ट का मतलब पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाता है तो मोती पिष्टी से लेकर के हृदयामृत आदि बता रखा, उससे बचा लो। और बहुत कमजोरी आ गई है तो ये इम्यूनोग्रिट सबसे इफेक्टिव है देते ही। और ये शिला तुलसी ड्रॉप, ये शिला तुलसी ड्रॉप तो मुंह में जाते ही, ये इंस्टेंट वाली चीजें हैं, ये इम्यूनोग्रिट इंस्टेंट वाले हैं। और ये शिला तुलसी तो मुंह में सीधे ही ड्रॉप डाल दो, जब आदमी लग रहा है ना कि भाई अब तो ये आंखें पथरा रहा है तो सीधा मुंह में 10 बूंद डाल दो, जीभ के ऊपर ही अंदर चला जाए, पानी की प्रतीक्षा ही मत करो, आदमी मरने से बच जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने, जो माँ का दूध पी रहे अभी 3-3, 6-6 महीने को बच्चों को बचाया शिला तुलसी पिला पिला के। तेज दवाएं दे नहीं दे सकते बच्चों को, एक कोरोनिल देर बार पानी में घोल के, एक कोरोनिल एक स्वासारी, या ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया छोटे बच्चों को भी तो स्वासारी गोल्ड, वो तो शहद में मिला के थोड़ा थोड़ा पिला दिया, दिन में 5-10 बार मैंने 2-2 बूंद इसी की गर्म पानी में डाल डाल करके पिलवा दी छोटे छोटे बच्चों की। माने इस समय लाखों बच्चों की जान हमने खाली शिला तुलसी ड्रॉप से बचा दी, लाखों बच्चों की जान। बच्चों को दवाई दे ही नहीं सकते ज़्यादा, एकदम से इससे बुखार भी उतर जाता है, इससे बच्चों का एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होता है, उनकी इम्यूनिटी भी डाउन नहीं होती है और वो उनकी बॉडी अपने आप को रिवाइव कर लेती है। देखो शरीर जो है ना वो ऐसे धोखा नहीं देता है। कुछ लोग देते जी क्या करें जी, शरीर ने धोखा दे दिया। अरे शरीर तो आपका साथ देने के लिए तैयार है,